हाल ही में सेरेब्रल एन्यूरिज्म बीमारी चर्चा में है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे सेरेब्रल एन्यूरिज्म बीमारी क्यों चर्चा में है और ये क्या होती है। ठीक है, अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग में इस बीमारी का पता चला है। यानी कि वैसे तो ये चीन के राष्ट्रपति हैं, बट इन्होंने प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से चीन के सर्वे सर्वा बन गए हैं, जिसका नाम है सी जिनपिंग। ठीक है, यानी कि ये अपने अंतकाल तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। अभी इनमें ये बीमारी का पता चला है, जिसका नाम है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ये बीमारी किन लोगों में देखी जाती है? ये बीमारी 50 साल से अधिक के लोगों में देखी जाती है, और ये देखी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उन लोगों में, जिनको कोई जेनेटिक बीमारी होती है और जिनको एलर्जी होती है उन लोगों में अधिक देखी जाती है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि दिमाग की नसें फूल जाती हैं, उसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसमें नसों का फटने का डर रहता है, जो मस्तिष्क की नसें उनका फटने का डर रहता है, उसमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, शरीर निस्तेज हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी वो अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये एक कॉन्स्पिरेंसी है या फिर कोई इस्तफाक है। यानी कि अगर हम देखें अमेरिका के प्रतिद्वंदी यानी कि अमेरिका के दुश्मन देश, चाहे हम चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बीमारी से पीड़ित हैं। वैसे ही कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि नॉर्थ कोरिया के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले किम जोंग उन भी बीमारी से पीड़ित हैं। यानी कि हम देखें कि अमेरिका के जो दुर्विरोधी हैं, जो दुश्मन देश हैं, वो सभी बीमारी से पीड़ित हैं। क्या ये एक कॉन्स्पिरेंसी है या फिर कोई इस्तफाक है? तो ये इस्तफाक है, कोई भी कॉन्स्पिरेंसी नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही देश क्या हैं, एक अपनी अपनी बीमारियों से पीड़ित चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, और कुछ दिन पहले यानी कि अगर हम एक साल पहले देखें तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक बीमारी से पीड़ित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक साल के कार्यकाल के बाद ही अपना पद त्याग दिया था और उनकी जगह योशिहिदे सुगा ने ले ली थी। बट चीन के राष्ट्रपति हैं वो 21 महीने से पीड़ित हैं इस बीमारी से, और 2020 में वो लास्ट विदेशी यात्रा पर गए थे। उसके बाद COP26 सम्मेलन हो ना उसमें गए, चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो ना उसमें गए, यानी कि वो 21 महीने से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, वो चीन में ही हैं। तो एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि चीन के राष्ट्रपति बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, जब जाके इस बीमारी का पता चला है कि ये एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है, बट ये अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे कि अब आप कहेंगे कि इतना बड़े देश का राष्ट्रपति, कोई ऐसी बीमारी, तो ये इन्हें तनाव की वजह से हुई है। अब आप कहेंगे कि तनाव किस बात का तनाव सी जिनपिंग को, वो तो उस चीन का सर्वे सर्वा है, फिर किस बात का तनाव है? उन्हें तनाव है जीरो कोविड पॉलिसी उनके द्वारा जो अपनाई गई थी। ठीक है, अगर हम देखें कि कोई भी व्यक्ति, हम ये सोचते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी फैसले ले रहा हो, सभी फैसले उसके सही जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसका एक फैसला गलत चला जाता है तो सभी की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। तो वैसे ही सी जिनपिंग के साथ हुआ, जब कोरोना आया, यानी कि कोरोना का जन्मदाता खुद चीन है, और उसमें जब कोरोना फैला तो उसने जीरो कोविड पॉलिसी का पालन किया। यानी कि जिस भी शहर में उसे एक भी केस दिखा, पूरे शहर में लॉकडाउन, व्यक्तियों की आवाजाही बंद, ठीक है, व्यक्तियों को क्वारंटाइन, व्यापार बंद, सभी विदेशी बिल्कुल व्यापार उसका बंद हो गया। ठीक है, यानी कि उसकी इकोनॉमी एकदम ठप हो गई। तो सभी की नज़र इन पर अटक गई कि ये कर क्या रहे हैं, तो इसी से ये तनाव में चले गए थे। ठीक है, तो पहला तो हो गया जीरो कोविड पॉलिसी के माध्यम द्वारा ये तनाव में चले गए। दूसरा है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध, यानी कि अगर हम देखें भारत ने तो ना तो यूक्रेन का साथ दिया ना, यानी कि ना तो अमेरिका का साथ दिया ना रशिया का साथ दिया, वहीं पर दूसरी तरफ चीन ने खुल करके रूस का साथ दिया, जिससे कि इनका विदेशी व्यापार एकदम ठप हो गया, कोई इनका विदेशी व्यापार नहीं हुआ। ठीक है, और तीसरा था डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, यानी कि ऋण में दे करके अपने जाल में फंसाना वाली पॉलिसी, जिस तरह से भूटान, श्रीलंका को फंसाया इन्होंने, एकदम तबाह हो गया। ठीक है, पहले उसमें बिजली संकट उत्पन्न हुआ था, फिर उसमें खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, अब उसके जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, महिंद्रा राक्षस, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
तो इस तरह से श्रीलंका तबाह हो गया। पाकिस्तान को सीपैक के माध्यम से $60 बिलियन का जो ऋण दिया था, अब वहां पर चीन की कंपनियां कह रही हैं कि या तो आप हमें जल्दी से जल्दी यानी कि $3 बिलियन की जो बिजली का बिल है वो ड्यू पड़ा हुआ है, पाकिस्तान चुकाने की हालत में नहीं है, क्योंकि चीन है वो पाकिस्तान को बिजली भेजता है, ठीक है। तो चीनी कंपनियों ने कह दिया है या तो आप पैसा चुकाओ नहीं बिजली भूल जाओ, ठीक है। वो ये टैगलाइन वहाँ पर ट्रेंड कर रही है, या तो पैसा चुकाओ नहीं बिजली भूल जाओ, ठीक है। अब लगभग $3 बिलियन का, इतना तो उसके फॉरेक्स रिजर्व में $7 बिलियन है, ठीक है, और $3 बिलियन का उसके ऊपर बिजली का कर्जा है चीन का। चीनी कंपनियां मना कर रही हैं कि अगर आप ये नहीं चुकाते हैं तो हम आपको बिजली नहीं देंगे, ठीक है। वैसे ही पाकिस्तान को ऋण में फंसा लिया है। तो ये पूरे देश में ये ट्रेंड कर रहा है कि डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के द्वारा चीन अपने ऋण के जाल में फंसाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी लोगों के द्वारा इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इन तीनों, अगर हम देखें इन तीनों टॉपिक के माध्यम से, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी हो, चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध के माध्यम से इन्होंने अपना व्यापार को बंद किया हो, चाहे जीरो कोविड पॉलिसी हो, जहाँ जहाँ कोरोना की दूसरी लहर में भारत ने अपने वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया और अपने व्यापार को बढ़ाया, व्यापार को नहीं रुकने दिया, वहीं पर चीन ने क्या किया कि अपने व्यापार को एकदम बंद कर लिया। जिस तरह से एक कमरे के डोर को हम बंद कर लेते हैं, वैसे ही क्या किया इसने भी अपनी सीमा को बंद कर लिया, और उस तरह से इसका व्यापार एकदम ठप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ही इस तरह से तनाव में चले गए हैं। तो जब हमें दुश्मन देश की नस पता हो तो उसे दबाने में और मजा आता है, अच्छी बात है। दुश्मन एक तरह से हमारा कितना बड़ा दुश्मन है ये चीन, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है, ये अपना पद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी दुश्मन देश के बारे में पता हो कि उसका जो सर्वे सर्वा है वो ऐसी बीमारी से पीड़ित है, तो देश की दिशा और दशा दोनों निर्भर करती हैं उस पर। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था जिन्ना के द्वारा कराया गया था, अगर भारत को पता होता कि जिन्ना सिर्फ 1 साल तक जीवित रहने वाला है तो भारत का विभाजन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जिन्ना ऐसा पता नहीं था ना भारत को कि जिन्ना 1 साल तक ही जीवित रहेगा, जिन्ना को तो ये पता था लेकिन जिन्ना ने बताया नहीं था, ठीक है। उसी तरह से क्योंकि दुश्मन देश कुछ भी चाल खेल सकता है, बट ये अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।